मुरादाबाद के थाना मोगलपुरा क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें भारी संख्या में धर्म प्रेमियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। रथ यात्रा यूथ फोरम के सदस्यों द्वारा शोभा यात्रा को सफल बनाने के लिए अपना भरपूर योगदान दिया गया। ये 8 साल निकलती है, आज 29वां वर्ष है और इसके संस्थापक हमारे हिजगिरे संग्राम दास प्रभु रजनी माता जी हैं। और रथ यात्रा यूथ फोरम के बालकों के द्वारा पूरी यात्रा आयोजित है और थोड़े समय में ही भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी उस रथ पे सवार होने जा रहे हैं। और कहा यह जाता है ब्रह्मांड पुराण में कि जो मनुष्य अपने हाथ से इस रथ यात्रा को देखता है, रथ को खींचता है, उनका भोग लगा प्रसाद पाता है, उसी दिन से उसका एक बड़ा पाप नष्ट होता है और जीवन की पूर्णता पर मोक्ष की प्राप्ति होती। ये गवर्नमेंट कॉलेज से मंडी चौक टाउन हॉल गुरट्टी ताड़ीखाना बुधविहार चौराहे होके SSK स्कूल में जाकर विश्राम लेंगे। संदेश यही देना चाहते हैं कि सब लोग भगवान की भक्ति में लगे, नशा छोड़ें और लड़ाई झगड़े क्रोध को छोड़ें और भगवान की भक्ति करते हुए भगवान के धाम। हरे कृष्णा, मेरा नाम माखन चोर दास है, मैं हिजगिरे संग्राम जी दास प्रभु जी का बेटा। ये रथ यात्रा पिछले 29 साल से निकाली जा रही है और इस रथ यात्रा को इस बार भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा यूथ फोरम के भक्तों द्वारा निकाला गया है। भगवान जगन्नाथ जी बहुत दयालु हैं, आप सब लोग भक्त लोगों से यही निवेदन है कि रथ यात्रा में रस्सा जोर से खींचें और भगवान जी को खूब जल्दी लेके जाएं। हरी बोल। शोभा यात्रा के माध्यम से झांकियों द्वारा जागरूकता के संदेश भी दिए जा रहे थे। इस दौरान मुरादाबाद में पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। शोभा यात्रा मुख्य मार्गों से होती हुई सभी को सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संदेश देती दिखाई दी।